वैसे छात्र जो 2022 में बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले थे, उनके इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से गेस क्वेश्चन निकालिए ताकि हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो फाइनली आज गेस क्वेश्चन जारी कर दिया गया है। मैट्रिक में जितने सारे भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इस गेस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, इसके बारे में हम इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखिएगा और खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश मत करिए। पहले आप लोग स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों से डाउनलोड हो पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डाउनलोड करने का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जहां पर से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको गेस क्वेश्चन का एक झलक दिखा देते हैं कि आखिर गेस क्वेश्चन कैसा होगा। इस गेस क्वेश्चन में सबसे बड़ी खूबी है कि यह गेस क्वेश्चन हाथ से लिख करके तैयार किया गया है, जिससे हर एक प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में है। और हम पूरे दावा के साथ कहते हैं कि यह जो गेस क्वेश्चन है, इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक में हम 80% तो कम से कम लाए ही, तो इसके लिए आप लोगों को यह गेस क्वेश्चन जरूर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको गेस क्वेश्चन दिखाते हैं कि आखिर है कैसा। तो देखिए, सबसे पहले पेज में ही हम लिख दिए हैं कि टारगेट बोर्ड गेस क्वेश्चन 2022, और यहां पर पेज नंबर से समझाया गया है कि पेज नंबर 1 से लेकर के 151 तक गणित है। अब सबसे ऊपर में गणित क्यों है, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। आप लोगों का जो रूटीन जारी किया गया है बिहार बोर्ड का, जिसमें सबसे पहला दिन गणित का ही परीक्षा है, इसलिए सबसे ऊपर में गणित का गेस क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा दिन आप लोगों का विज्ञान का परीक्षा है, तो दूसरे नंबर पर विज्ञान का गेस क्वेश्चन। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद हिंदी और सबसे लास्ट में संस्कृत। और देखिए, यहां पर साफ तौर से लिखा गया है कि अगर आप 450 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो यह गेस प्रश्न को पूरा जरूर याद कर लें। और हम यह पूरे दावा के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग यह गेस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, तो फिर 450 से ज्यादा नंबर हर हाल में आएगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर है गणित का गेस क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जैसा कि हम वीडियो के शुरू में ही आपको बताए कि इस गेस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हाथ से लिखा गया है, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि देखते के साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैथ का जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सबका जवाब यहां पर बहुत ही सरल भाषा में हाथ से लिखा गया है। उसी तरह से हम आपको अब विज्ञान का दिखाते हैं। विज्ञान में सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसके बाद नीचे की तरफ जब आप लोग आएंगे तो यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हाथ से लिखा हुआ है और बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया है, जो कि आपको देखते के साथ ही एक बार में याद हो जाएगा। उसी तरह से यह पूरा गेस क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेस क्वेश्चन है। हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप लोग इस गेस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेते हैं, तो फिर एक नंबर का भी आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि आप लोग गेस क्वेश्चन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया हुआ रहेगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक गेस क्वेश्चन 2022, और नीचे लिखा गया है कि इसमें से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 80% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा, इसे परीक्षा से पहले जरूर पढ़ लें। तो आप लोगों के लिए यह गेस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कारगर है। यदि आप लोग इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग यहां पर व्हाट्सएप वाले बटन पर क्लिक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी इस गेस क्वेश्चन को खरीद सके। उसके बाद आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए नीचे नेक्स्ट का बटन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इस नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पर आपसे ईमेल आईडी और फोन नंबर पूछा जा रहा है। अब हम फोन नंबर इसलिए ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप लोग जानते हैं कि जब मैट्रिक या फिर इंटर का परीक्षा चलता है, तो उस समय कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मोबाइल पर मैसेज के रूप में आ जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर मैसेज के रूप में आएगा, तो आप लोगों को किस तरीके से पहुंचाना है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस गेस क्वेश्चन को खरीदते हैं, तो उनका मोबाइल नंबर हमारे पास चला आएगा, और जब मोबाइल नंबर आपका हमारे पास चला आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम परीक्षा के समय पूरा मदद करें, यानी कि पूरा पूरा आप लोगों को हम हेल्प करें। तो यदि आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं हमसे, तो आपको इस गेस क्वेश्चन को खरीदना पड़ेगा, यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और हां, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा,
वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि हमेशा खुला रहता है, क्योंकि जब हम आपके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज भेजें तो आपके पास वह तुरंत पहुंच जाए। और ज्यादातर कोशिश करना है कि जो व्हाट्सएप वाला नंबर होता है उसी नंबर को यहाँ पर दे दें, ताकि व्हाट्सएप के थ्रू भी हम आपके पास हेल्प पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे, हम ज्यादा खुल करके नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर भर दें। तो हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर भर दिए हैं, और उसके बाद नीचे पे 199 का बटन आ रहा है, तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पे 199 पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेमेंट का ढेर सारा ऑप्शन खुल जाएगा। जो गूगल पे यूज करते हैं गूगल पे के माध्यम से पे कर सकते हैं, जो फोन पे यूज करते हैं फोन पे के माध्यम से पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर फोन पे यूज करते हैं तो हम आपको फोन पे के माध्यम से पे करके दिखाएंगे। जिनके पास सिर्फ एटीएम कार्ड है तो यहाँ से आप लोग एटीएम कार्ड के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। जहां पर एटीएम कार्ड का पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, कार्ड नंबर, होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी। जिस तरीके से आप लोग फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर किसी भी सामान को बुक करते हैं, अपने घर पर मंगाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर भी करना है। तो चूंकि हम यहां पर गूगल पे और फोन पे यूज करते हैं, तो हम यहां पर गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से आपको पे करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सिंपली यहां पर फोन पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं और पे 199 पे क्लिक करते हैं, हमारा पेमेंट प्रोसेस्ड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हमने पे पे क्लिक किया, हम सीधे यहां पर फोन पे पे आ जाएंगे, और फोन पे पे आने के बाद हम यहां पर सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहां पर अपना यूपीआई पिन डाल चुके हैं, और उसके बाद जैसे ही ओके करते हैं हमारा पेमेंट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है। आपको वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली से रुके रहना है, आपको इंतजार करना है कि कब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल को पकड़े रहना है, आपके सामने खुद ब खुद पीटीएफ खुल करके आ जाएगा, जो कि देख रहे हैं यहां पर गेस क्वेश्चन हमारा खुल करके आ गया है। पेमेंट होने के बाद तुरंत गेस क्वेश्चन आपके पास खुल जाएगा, और यहां से आप लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर से जा करके आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यह जो पीडीएफ है आपके मोबाइल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गया है, देख सकते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर में नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो पीडीएफ है टारगेट बोर्ड गेस क्वेश्चन वह डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और कुछ ही देर में हमारा यह गेस क्वेश्चन डाउनलोड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपके सामने गेस क्वेश्चन खुल जाएगा, आपके मोबाइल में यह सेव हो जाएगा, यहां से आप लोग जब चाहे जब पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा प्रोसेस समझ चुके होंगे। अब आप लोग जल्दी से जाइए और इस गेस क्वेश्चन को परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है और कम समय में आपको ज्यादा पढ़ना है। तो जल्दी से जाइए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से जाकर के आप लोग इसको खरीद लीजिए। अगर आपके पास फोन पे या फिर गूगल पे का सुविधा नहीं है तो आप लोग दुकान में मार्केट में जाकर के जिसके पास फोन पे का सुविधा है उसको 200 रुपया दे दीजिए, और 200 रुपया देने के बाद बोलिए कि हमारा यह पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, वह डाउनलोड करके आपके मोबाइल में दे देगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग इससे भी ज्यादा आसान तरीका चाहते हैं तो हम तो आपको कहेंगे कि आप लोग डाउनलोड ही कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर 8114352021 नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे, वहां पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको यहां पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। अगर जिनका पेमेंट अटक जाता है या फिर किसी कारणवश से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर आप लोग रिप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपकी समस्या का हल निकालेंगे, हम आपके पास पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से डाउनलोड करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।